हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फोरी में स्वागत है। दोस्तों मैं आज आपसे वादा करता हूँ, ये दोस्तों जो विभिन्न वैकेंसी राजस्थान की जितनी भी वैकेंसी आई है उनमें बार बार रिपीट हुए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, तो मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि आज मैं आपके सामने 25 क्वेश्चन लेके आया हूँ, ये आप कभी नहीं भूलोगे। क्योंकि दोस्तों अपने इस वीडियो में ये 25 क्वेश्चन इस तरीके से कवर करेंगे ताकि आपके माइंड में बैठ जाएंगे। तो साथ ही दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपको इतना करना है शुरू से लेके एंड तक वीडियो को बिना स्किप के ध्यान से सुनना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, मैं वीडियो का रिवीजन करेंगे, उसमें आपको बताने आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है। तो और वीडियो को लाइक दोस्तों को शेयर जरूर करना। चलिए पहला क्वेश्चन अपना, किस चौहान शासक ने राज अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था? तो दोस्तों वो था अजय राज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 1191 से 1192 के तराइन के युद्ध में किस चौहान शासक को आक्रमणकारी था साहेबुद्दीन गोरी से लड़ना पड़ा? तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1191 से 1192 के तराइन के युद्ध में किस चौहान शासक को आक्रमणकारी साहेबुद्दीन गोरी से लड़ना पड़ा? तो वो थे दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को कब पराजित किया था? जो मोहम्मद गोरी थे वो पृथ्वीराज चौहान को कौन से युद्ध में पराजित किया था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है तराइन के युद्ध में द्वितीय युद्ध हुआ था, उसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। अकबर ने जब 1567 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया उस समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? अकबर ने जब 1567 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था उस समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? उदय सिंह थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रसिद्ध राजपूत राजा कौन था जिसने राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का जीर्णोद्धार एवं निर्माण करवाया? तो वो कौन सा था? महाराणा कुंभा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है खातोली का युद्ध, ठीक है। भाखड़ा नागल परियोजना का हिस्सा राजस्थान में कितना प्रतिशत है? जो भाखड़ा नागल परियोजना का हिस्सा राजस्थान में कितने प्रतिशत है? 15.22% है। मेवाड़ का मैराथन युद्ध किसे कहा गया है? जो मेवाड़ का मैराथन युद्ध है वो किसे कहा गया है? मेवाड़ का मैराथन युद्ध देवेर युद्ध को कहा गया है, ठीक है। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितने किलोमीटर है? तो दोस्तों राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है वो 5920 किलोमीटर है। नेक्स्ट, राजस्थान का 32वां जिला जो करौली कब अस्तित्व में आया था? जो राजस्थान का 32वां जिला बना था वो करौली कब अस्तित्व में आया था? तो दोस्तों वो आंसर है राइट आंसर इसका 19 जुलाई 1997 जो करौली जिला बना था वो करौली जिला कौन सा 32वां जिला बना था वो कब अस्तित्व में आया था? 19 जुलाई 1997 में। राज्य के 33वें जिले प्रतापगढ़ का गठन कब हुआ था? जो राज्य का 33वां जिला था प्रतापगढ़ बना था वो कब गठित हुआ था, इसका गठन कब किया गया था? वो 26 जनवरी 2008 को। स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कितने ठिकाने एवं रियासतें थी? तो स्वतंत्रता के समय राजस्थान में 19 रियासतें और 8 ठिकाने थे। स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान के पहले एवं एकमात्र प्रधानमंत्री बनाए गए? तो दोस्तों स्वतंत्रता के पश्चात जो राजस्थान का पहला प्रधानमंत्री बनाए गए थे उनका क्या नाम था? दोस्तों उनका नाम था हीरालाल शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र पर किसका शासन था? जो यहाँ पे मिस्टेक हुई है, मारवाड़ है, ठीक है, क्षेत्र पर किसका शासन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हुआ अंग्रेज सरकार का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात एवं पाकिस्तान से लगती है? जो राजस्थान का वह जिला बताइए जिसकी सीमा गुजरात और पाकिस्तान से लगती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बाड़मेर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राजस्थान का पूर्व से पश्चिम सीमा तक विस्तार करने कितने किमी है? जो राजस्थान का पूर्व से पश्चिम सीमा तक का विस्तार है वो कितने किलोमीटर है? तो दोस्तों वो है 869 किलोमीटर। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार उत्तर में कहाँ तक है? जो राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार है वो उत्तर में कहाँ तक है? तो दोस्तों खेतड़ी तक है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन, निम्न में से गंगा यमुना का मैदान राजस्थान राज्य के किसकी ओर है? जो राजस्थान में जो गंगा यमुना का मैदान है वो किस ओर है? वो है दोस्तों पूर्व की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानांतरित बालुका स्तूपों को स्थानीय भाषा में पुकारा जाता है। तो दोस्तों किस भाषा, कौन से नाम से पुकारा जाता है? दरियन के नाम से। ठीक है, पश्चिम राजस्थान में पाई जाने वाली सेवन, जो सेवन दोस्तों किसको कहा है? यहाँ पे राजस्थान में सेवन किसको कहते हैं? घास होती है दोस्तों सेवन, तो इसको बोलते हैं सेवन। एक क्या होती है? घास। राजस्थान में रेगिस्तान कितने प्रतिशत भूभाग पर है? जो राजस्थान में रेगिस्तान है वो कितने प्रतिशत भूभाग पर है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है 66 यानी 66.11% पे है। ठीक है, मेसा का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जो मेसा का पठार है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों जो मेसा का पठार कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कर्क रेखा को दो बार पार करने वाली नदी है, जो कर्क रेखा को दो बार पार करती है वह नदी कौन सी है? माही नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में मिट्टी से बना बांध कौन सा है? जो राजस्थान राज्य में मिट्टी से बना बांध कौन सा है? तो दोस्तों वो है पोचना यानी पोचना। ठीक है, नेक्स्ट है, पीली मिट्टी के क्षेत्र में कौन सी फसल अधिक बोई जाती है? तो दोस्तों पीली मिट्टी की जो क्षेत्र में अधिकतर फसल बोई जाती है वो कौन सी है? मूंगफली। राजस्थान राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला के दोनों तरफ कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जो राजस्थान राज्य में अरावली पर्वत है उसके दोनों श्रृंखला के दोनों तरफ कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो दोस्तों वो है धूसर मरुस्थलीय मिट्टी। निम्न खनिजों में किसके लिए राजस्थान को देश में एकाधिकार प्राप्त होता है? तो दोस्तों कौन सा है? सीसा और जस्ता। नेक्स्ट है, राजस्थान में अभ्रक का उत्पादन होता है। जो राजस्थान अभ्रक है वो उसका उत्पादन कहाँ होता है? वो होता है भीलवाड़ा में। तो चलिए दोस्तों ये थे आज के जो राइट आंसर। अब जो आंसर क्या करना है, अब अपने एक टेस्ट के आधार पे चलेंगे इसी वीडियो को दोबारा, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको बताने हैं, चेक करके आपके कितने प्रश्न अभी तक याद रहे हैं, और जो याद नहीं है तो एक बार और देखोगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों अपने पहले क्वेश्चन से दोबारा रिपीट करना है, इसमें आपको आंसर कॉमेंट में बताना है और लास्ट में हमें बताना आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए रिविजन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था अपना, किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था? तो दोस्तों आप कमेंट करिए और अपना आंसर चुनिए, बाद में हमें लास्ट में ज़रूर बताना कमेंट करके, और वीडियो को लाइक करना ना भूले। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर था वो था, मैं बता दो, अजय राज आपका सही है या गलत आप चुनना। ठीक है, 1191 या 1192 के त्राइन के युद्ध में किस चौहान शासक को आक्रमणकारी साहिबुद्दीन गोरी से लड़ना पड़ा? तो दोस्तों किसका वो बताइए, राइट आंसर वो है पृथ्वीराज तृतीय। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को कब पराजित किया था? जो मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को कौन से युद्ध में पराजित किया था वो आप राइट आंसर बताइएगा। इसमें चार आंसर है आपके सामने, फटाफट रिप्लाई कीजिए, तराइन के द्वितीय युद्ध में। नेक्स्ट अपना आज का क्वेश्चन है, अकबर ने जब 1567 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया उस समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? ठीक है, चार आंसर आप फटाफट एक सेलेक्ट कीजिए। तो वो थे दोस्तों उदय सिंह।
वह प्रसिद्ध राजपूत राजा कौन था जिसने राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का जीर्णोद्धार एवं निर्माण करवाया? ठीक है, वो कौन थे दोस्तों? फटाफट सेलेक्ट कर लीजिए अपने आंसर चारों में से। तो वो थे दोस्तों महाराणा कुंभा। मेवाड़ के महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? तो बताइए दोस्तों कौन से युद्ध में परास्त किया था? वो था दोस्तों खातोली का युद्ध। नेक्स्ट, भाखड़ा नागल परियोजना का हिस्सा राजस्थान में कितने प्रतिशत है? फटाफट आंसर कीजिए कमेंट। 15.22। ठीक है, नेक्स्ट है मेवाड़ का मैराथन युद्ध किसे कहा गया है? आंसर नंबर सी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है कितने किलोमीटर है? राजस्थान कुल स्थलीय सीमा, फटाफट आंसर कमेंट कीजिए। राइट आंसर है बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का 32वां जिला करौली कब अस्तित्व में आया था? जो राजस्थान का 32वां जिला करौली है वो कब अस्तित्व में आया था? वो आया था दोस्तों 19 जुलाई 1997 में। निम्न में से राज्य के 33वें जिले प्रतापगढ़ का गठन कब हुआ? 26 जनवरी 2008। जिसने आंसर चुना है वो बिल्कुल सही है। स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कितने ठिकाने एवं रियासतें थी? जो स्वतंत्रता के समय राजस्थान में रियासतें और कितने ठिकाने थे? 19 तो रियासतें थी और 3 ठिकाने थे। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान के पहले एवं एकमात्र प्रधानमंत्री बनाए गए? जो स्वतंत्रता के समय राजस्थान को कौन किसको पहले प्रधानमंत्री बनाया गया था? हीरा लाल शास्त्री को। स्वतंत्रता के समय अजमेर और मेवाड़ मारवाड़ क्षेत्र पर किसका शासन था? सॉरी, तो दोस्तों इसको अंग्रेज सरकार का शासक था। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात एवं पाकिस्तान से लगती है, कौन सा जिला है वो? बाड़मेर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का पूर्व से पश्चिम सीमा तक विस्तार कितने किमी है? राजस्थान का पूर्व से पश्चिम सीमा तक विस्तार कितने किमी है? इसका राइट आंसर है डी। ठीक है, नेक्स्ट है, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार उत्तर में कहाँ तक है? कहाँ तक है? खेतड़ी तक। गंगा यमुना का मैदान राजस्थान राज्य के किस ओर है? जो गंगा यमुना का मैदान है राजस्थान में किस ओर है? चुन लिया होगा आपने आंसर, तो पूर्व की ओर है। ठीक है, स्थानांतरित बालू का स्तूपों को स्थानीय भाषा में पुकारा जाता है, किस भाषा में पुकारा जाता है? आंसर नंबर डी में, दरियन। निम्न में से पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली सेवन है कौन सी है? वो घास है सी। ठीक है, सेवन घास को पुकारते हैं राजस्थान में। राजस्थान में रेगिस्तान कितने प्रतिशत भूभाग पर है? कितने प्रतिशत भूभाग पर है? 66.11 पर। मेसा का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? मेसा का पठार राजस्थान किस जिले में स्थित है? अभी तो अपने रिपीट किया था, बताइए फटाफट। चित्तौड़गढ़। सही है, राइट आंसर। करक रेखा को दो बार पार करने वाली नदी है? करक रेखा को दो बार पार करने वाली नदी है, नदी का नाम बताइए फटाफट। माही नदी। सही है, राइट। राजस्थान राज्य में मिट्टी से बना बांध कौन सा है? आंसर नंबर ए। सही है, ठीक है। पीली मिट्टी में मिट्टी के क्षेत्र में कौन सी फसल अधिक बोई जाती है? सॉरी, पीली मिट्टी है उसके क्षेत्र में अधिकतर फसल कौन सी बोई जाती है? मूंगफली। राजस्थान राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला के दोनों तरफ कौन सी मिट्टी पाई जाती है? धूसर और मरुस्थलीय मिट्टी। निम्न खनिजों में किसके लिए राजस्थान को देश में एकाधिकार प्राप्त है? अभ्रक के लिए। ठीक है, सॉरी, अभ्रक नहीं, सीसा और जस्ता। नेक्स्ट है, राजस्थान में अभ्रक उत्पादन होता है? राजस्थान में अभ्रक उत्पादन कहाँ होता है? भीलवाड़ा में।
ठीक है दोस्तों, आप फटाफट कमेंट कीजिए आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही आए हैं, और वीडियो को लाइक और दोस्तों को शेयर करना इतनी आपसे रिक्वेस्ट है, और चैनल सब्सक्राइब करना ताकि आपको राजस्थान के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन है वो आपको रोजाना 25 दिन, 25 क्वेश्चन सुबह और 25 शाम को आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आप दोनों टाइम आप अच्छी तरीके से रोजाना 50 क्वेश्चन कवर कर सकते हो। चलिए, थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।